नमस्कार। देश की सर्वोच्च पंचायत में जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। दलित अत्याचार कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने और दलितों को मजबूत कानूनी संरक्षण देने के मकसद से संसद के मानसून सत्र में SCST अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। संशोधन से SCST अत्याचार निवारण कानून संबंधी सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा जिसके तहत आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। आइए देखते हैं इस अहम मुद्दे पर सदन में हुई चर्चा के अहम अंश। रामचंद्र प्रसाद सिंह, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि एक बहुत बड़ा ये जो ये समाज है उसके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है ये जो एक्ट है, और उसमें जो अभी न्यायालय के आदेश से उसमें परिवर्तन हुए थे उसे समाज में एक दूसरे तरह की बात चली गई थी। पूरी की पूरी जुडिशरी के बारे में भी लोग इस समाज के लोग दूसरी नज़र से देखने लगे थे। तो मेरा सुझाव होगा कि जितने कई सारे लॉ कमीशन ने, सरकार ने भी एक बार नहीं कई बार ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिए। अब ये समय है कि तुरंत बनाना चाहिए, जैसे ऑल भी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उससे अपने आप आरक्षण की व्यवस्था भी हो जाएगी और सब लोगों को लगा कि मेरी भी भागीदारी। दूसरी बात यह है कि इसमें जो FIR दर्ज होता है और उसमें व्यवस्था ये है कि इसकी जो जाँच होगी वो डिप्टी SP के लेवल पर होनी चाहिए। सर, इसमें सोच ये थी कि एक अच्छे स्तर पर जाँच जब होगी तो उसमें जल्दी होगा, लेकिन व्यवस्था नीचे क्या होती है कि केस ज़्यादा होने के चलते उसमें जांच की क्वालिटी ठीक नहीं हो पाती है। तो इसमें जितने भी IU होते हैं उनको अलग से ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको अलग से इसके प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे कि कन्विक्शन रेट बढ़े, और साथ ही ये जहाँ कहीं भी इस तरह की बात होती है तो इसमें रिलीफ की भी बात है इस एक्ट में, उसको भी पूरा का पूरा देना चाहिए। तो मैं इसी अपने 2-3 बिंदु के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो इस समाज में जिस तरह के जो अत्याचार होते हैं वो बंद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी। श्री केशव राव जी। आई विल बी वेरी स्पेसिफिक एज फार एज एक्ट इज कंसर्न। वी हैव गॉन ओनली ऑन 18A, वी हैव एडेड वन थिंग देयर, एंड 438 वी हैव एडेड। दीज आर द टू इश्यूज वी आर टेकिंग। लेट मी टेल यू, लेट देम अंडरस्टैंड द वेरी साइकी ऑफ दिस मेजॉरिटी ऑफ पीपल, 200 million पीपल, सम 180 to 200 million. These people historically being abused, exploited, need some kind of a support from the entire nation if we are to uphold our constitutional ethos. So therefore what I am saying is two issues that is thought over the preliminary inquiry. We talk about anticipatory bail and we talked about the approval. These are the three issues that they are under challenge, and few people feel bad because under Article 21 we have given the total rights of right to life, and at 17 only it is untouchability, so 21 must stand over the 17. Question is, let me tell you with all my apprehension to I submit to minister through you, sir, this law will again be challenged in the court, because when they have rejected the review petition, they were again strong on two issues, on 21 and 17. So when they have said it, then again nothing has been done to correct that thing. What you did is, as you have done in 1955, 1980, 1989, 1974, all that you have done is only trying to correct the cosmetic things you have done. Today also it is cosmetic, but what you have done today is preliminary. Instead of DCP, there will be preliminary, there can, FIR can be booked. That's all. There's nothing new, it has come into the act, please. Then again you said approval is not necessary, approval by the appointing authority not necessary, but approval is also necessary because the court will go in under 438. So we have only enacted or only brought in, incorporated few of the cosmetic things. Unless you correct that system, unless you have a system wherein these PLs or PILs or other court cases which are going against these people who cannot fend for themselves, things will not be all right. What you need to do is bring it into the Schedule 9 so that some kind of a guarantee is given. K. Som Prasad. Support this amendment, sir. It is proposed to restore the original position of SCST, Provision of Atrocities Act. As we know, Dalit people are the most downtrodden section of Indian society. Mainly that is due to the caste system which prevails in India during the last several centuries.
Even now, after 70 years of independence, most of them are living in very pathetic situations, sir. More than 67% of Dalits are landless people. More than half of the people are illiterate. They are facing several types of discrimination in every minute. Caste discrimination exists in every part of Indian nation, sir. From the village to metropolitan cities, from the kindergarten to universities, the upper caste people always trying to keep them away by denying them the right to own agricultural land, denying freedom to take water from common sources, denying freedom for children to sit equally in classrooms, denying the common crematorium and the burial grounds, denying the access to common places, etc., sir. Dalits are being denied 90% of fundamental rights that are availed other Indian citizens. They are being attacked by upper class contingent citizens. In recent times, there are also have been a number of cases of killing of scheduled caste persons in inter-caste marriages. The instances of atrocities in Gujarat and Rajasthan includes sporting mustache, riding a horse during the wedding procession, knee dressing, etc. Sir, within every 2 minutes, Dalits are attacked one on the caste issue. In every week, average 13 Dalits women being raped. Both the center or state governments not take strict action against these culprits. At this juncture, the SCST Prevention of Atrocities Act played a very important role to give protection to Dalit people. But the Supreme Court judgment has drastically diluted the act. This act should be strengthened further. The three conditions put forward by the Supreme Court would create negative effect. This will lead to increased atrocities against Dalits and Adivasis. The police is not ready to raise cases against the culprits. My request is that the government, through PO Act, should be included in the 9th schedule. Right. Thank you, Professor Manoj Kumar. So as to protect the law from further judicious scrutiny. Professor Manoj Kumar. The second. आदरणीय सभापति महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं खड़ा हुआ हूँ इस अमेंडमेंट बिल को समर्थन के लिए, लेकिन कुछ बातें मैं रखना चाहूँगा पूरे सदन के मध्य में कि अगर बंद जेहन को खोलने के लिए हर बार भारत बंद करना पड़े तो ये अपने आप में हम सब के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है. कितनी बार भारत बंद करेंगे कि बंद जेहन खुले. जब तक ये सदन, हम सब लोग, सत्ता और प्रतिपक्ष उस संस्था के में चरित्रगत बदलाव नहीं लाते हैं, तो बार बार इस सदन को मैं आगाह करता हूं, साथियों, हमें बार बार माननीय सभापति जी के माध्यम से हमें बैठना पड़ेगा. मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि चाक चौबंद व्यवस्था कीजिए. मैं सदन के माध्यम से याद दिलाऊं, सर, 2016 की रोहित बेमुला नाम का एक इंसान इस मुल्क से गया, खुदकुशी की उसने. उसने खत में एक लाइन लिखी थी, सर, मेरा जीवन एक घातक दुर्घटना है. करोड़ों लोगों का जीवन एक घातक दुर्घटना इस मुल्क में है और वो करोड़ों लोग इस सदन की ओर देख रहे हैं. ये सत्ता प्रतिष्ठान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था. क्यों 5 महीने लग गए हमें? अध्यादेश से हम चीजों को संवार सकते थे, बना सकते थे. और मैं कहना चाहूंगा, सर, कि देर लगी आने में तुमको शुक्र है, तुम आए तो सही. शुक्रिया. विधेयक में काफी देरी से लाए जाने के कारण इन वर्गों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. इसकी भरपाई करना मुश्किल है, तो भी हमारी पार्टी देर से लाए गए इस विधेयक का समर्थन करती है. इसके साथ साथ इस वर्गों के हितों में जहां हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से यह भी कहना चाहती है कि सरकारी नौकरी में प्रमोशन में जो पदोन्नति पूरे तौर पर प्रभावी बनाने के लिए इस मामले में उनको पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करना जरूरी है. आज महाराष्ट्र बंद है, आपको बताता हूँ. आज महाराष्ट्र बंद है. जो मराठा समाज का जो आंदोलन चल रहा है, आज पूरा महाराष्ट्र बंद है. कुछ जगह पे हिंसा भी हुई है. उनकी जो दो मांगे हैं उसमें से आरक्षण तो है, दूसरी मांग है ये बिल के खिलाफ है. एट्रोसिटी रद्द करने जो कानून है, ये कानून के खिलाफ उनकी मांग है, कानून रद्द करो. उसका मतलब ये है कि समाज के मन में एक डर है कानून के खिलाफ, कि ये कहीं ना कहीं ये कानून का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है, और निर्दोष या बेगुनाह लोग हैं उसमें जल जाते हैं. सर,
सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है जिस बारे में भी हम अमेंडमेंट करने जा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि ये कानून को लेकर एक जो दुरुपयोग के बारे में चिंता व्यक्त की थी कि ये कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और उन्हें रोकने का आदेश दिया था। सर, न्यायालय इस सिद्धांत पर चलता है कि 100 गुनहगार बेशक छूट जाए लेकिन किसी बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है, हमारा संविधान का सिद्धांत है। उसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के सामने या किसी न्यायालय के सामने इस प्रकार के कुछ घटनाएं आई है कि इस कानून का दुरुपयोग हुआ है। हम ये नहीं चाहते, ये दलित अत्याचार विरोधी कायदा है, जो रहना चाहिए, ये अधिकार है उनका, रहना ही चाहिए। लेकिन हम समर्थन देने के साथ साथ ये भी कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई संगठन, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस कानून का गैर उपयोग दुरुपयोग करती है और सिद्ध होता है तो आप उसको क्या सजा देंगे? आपके कानून में आप उसका क्या प्रावधान रखा है कि कोई उस एट्रोसिटीज का मिसयूज करता है? राइट। उस बारे में भी हमको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। टीडी राजा, व्हाइल सपोर्टिंग द बिल आई वुड लाइक टू राइज अ फ्यू क्वेश्चंस। नंबर वन, whether the government will include this act in the 9th schedule of the constitution. That is a popular demand after the latest ruling of the Supreme Court. Then secondly, sir, under this act, whether government will ensure the setting up of special courts at district level in all the states, and whether the government will look into the conviction rates, why the conviction rates are so weak. Sir, when this present ruling came out, the two ministers in the present government have questioned the appointment of one of the two judges who gave that ruling for his appointment as National Green Tribunal Chief. Now, what is the position of the government? Sir, it is time that government should consider giving adequate representation to SCST, OBC and women in judiciary. Finally, I refer to Dr. Ambedkar. Sir, we all parliamentarians will have to take into consideration what Dr. Ambedkar has said. India is yet to emerge as a nation in true sociological, psychological sense because there are caste. Caste is anti-national. That's what Dr. Ambedkar has said. How to annihilate caste from our society, from our country. Thank you, that Raja. Must be the vision of all parliamentarians and all political parties. With these words, thank I you. Support the bill and government should respond to the questions. समर्थन करता हूँ, समर्थन मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि दलित लोगों के साथ सदियों से अत्याचार होता रहा, इनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा, ये अत्याचार इनके साथ जातियाँ होती रही, इनको अछूत समझा गया तो इनको अपमानित वाले शब्द कह करके इनको अपमानित किया गया। ये हमारी संस्कृति के विरुद्ध, बिल्कुल हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। तो मैं धन्यवाद करूंगा जब 1979 में SCST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट आया तो उसके आने से इन लोगों को संरक्षण मिला। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन आई है, ये लोग जो है ऐसे लोग जो है अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे और ये लाखों की संख्या में सड़क पर आ गए। तो फिर सरकार ने ये बिल लाया, तो मैं बिल आया, इस बिल के आने से ये बिल जो आएगा बहुत सख्त बिल आ जाएगा। कुछ सख्त बिल आता है, नागरिक उसको अपने अपने जो है उसको अपने हाथ में नहीं लेगा। अगर कोई नागरिक उस बिल को कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून अपना काम करेगा। फिर भी जैसे अभी संजय रावत जी कह रहे थे, कोई बेकसूर या इस कानून का कहीं ना कहीं मिसयूज होता है या पुलिस की वजह से होता है, किसी अन्य की वजह से होता है, तो उस बेकसूर लोगों को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो मंत्री जी को मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, उनको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? इसका इसमें कहीं ना कहीं इसमें अगर कोई लाइन इसमें जोड़ दी जाए तो एक बैलेंस कानून बन जाएगा। श्रीमती वंशुक सिंह, आई राइज टू इंटरवीन इन द ऑनगोइंग डिस्कशंस ऑन द क्रूशियल पीसेस ऑफ द लेजिस्लेशन दैट विल हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द शिरू ट्राइब्स एंड द डैलिट्स हु आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर जनरेशंस। With this amendment, the government hopes to add more teeth to the existing act, further diluted and debilitated by the recent Supreme Court judgment. There was nationwide
angers over the judgment and All India rally was to be held today of this month by Dalit activist organization in protest of the Supreme Court judgment. Even within the ranks of the ruling combined, there were murmurs over the judgment of the apex court, sensing that the situation will snowball into a crisis of sort. The government has pitchforked this amendment bill to defuse the crisis. With the die-hard traditions followed by the patriarchal and feudal dominations in rural India, such atrocities are likely to continue until a social transformation is brought about beyond the deterrent impact of laws making perfection of crimes a coinable offense. Happily, we are witnessing a surge of the Dalit communities to secure an equitable and dignified life. With the increased awareness of the availability of tools to seek legal redressal of their grievances and judicial dispensation, responsive to the aspiration and rights to the oppressed, I hope this bill will mark a step forward. With this observation and reservation, I commend this bill for unanimous adoption of this August House. Thank you, sir. Thank you, madam. आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. जारी है संसद संवाद. इस कानून में हमने विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान किया है और हमने ये भी प्रावधान किया है एफआईआर दर्ज होने के बाद 2 माह के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान पेश होना चाहिए और चालान पेश होने के बाद 2 माह के अंदर अंदर उस विशेष न्यायालय के द्वारा निर्णय भी दिया जाना चाहिए. चर्चा के दौरान सदन में आम राय थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून 1989 के अहम प्रावधानों के कमजोर होने की आशंका है. अदालत के आदेश में कहा गया था कि एफआईआर दर्ज करने से पहले एसएसपी स्तर की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए मंजूरी जरूरी होगी. विधेयक में लाए गए संशोधन से SCST के केस में एफआईआर दर्ज करने से पहले ना तो किसी प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए अनुमति की जरूरत होगी. आइए देखते हैं सदन में हुई चर्चा का अंतिम अहम अंश. नरेंद्र यादव. मिस्टर चेयरमैन सर, आई राइज टू होल हार्टेडली सपोर्ट द बिल. सर, ये बात सच है कि इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि दलितों पर अत्याचार करने का किसी को अधिकार प्राप्त हो. इसीलिए इस एक्ट को खारिज करने की बात जो कही गई है वो बिल्कुल समाज विघातक है. चेयरमैन सर, बाय पासिंग दिस बिल द पार्लियामेंट वुड बी रेंडरिंग इनइफेक्टिव ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट which had severely diluted the Scheduled Caste, Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act. Mr. Chairman, sir, this bill is exceedingly important for 2 reasons. One is that while the crimes against SC and STs are at an all-time high and the prosecution rates are low, this enactment of the proposed bill into legislation would ensure that no preliminary inquiry is required to lodge FIRs by SC and STs in the case a crime is committed against them. Also, the investigating officer shall not require prior approval for making arrest. This would make it easier for scheduled castes and scheduled tribes to take recourse to judicial system, therefore increasing access to justice for the severely oppressed SCST communities. Secondly, sir, eliminating the possibility of seeking anticipatory bail in the case of crimes against scheduled castes and scheduled tribes is an extremely important development. This bill, on account of attacks on SCSTs, numerous valuable lives have been lost to hatred and communal violence. This bill is a welcome step in ensuring that perpetrators of such violence do not go scot-free. By ensuring that no anticipatory bail is granted to persons accused under the Act, more citizens will be deterred from carrying out such heinous acts with unabashed brashness and no fear of having to face severe repercussions for their hate mongering. In conclusion, sir, I would like to say that by passing this bill,
we as the lawmakers of the country will send out a powerful message that the parliament treats matters of law and order with utmost importance. The cries of the marginalized and the underprivileged do not fall on deaf ears. And we, as the guardians of the world's largest democracy, are listening and taking appropriate actions. Thank I wholeheartedly you. Commend this bill for passage. Thank you, Narendraji. Vijay, sir, ready? Chairman, sir, I rise to support this bill. However, I have one question to Law Minister, and I expect the Law Minister to respond to that. And also, I'll make one suggestion. Sir, a person who commits offence under Section 3 of the Act and FIR is filed against him, and the person may not be able to, by virtue of this bill, person may not be able to apply for anticipatory bail under Section 438 of the Act. However, he can always file under 482 a quash petition in the High Court against the FIR and then get a stay order and even stay on the arrest and stay of further proceedings of the prosecution. Therefore, according to me, it is an inconsistency, and I expect the Law Minister to respond and appropriately plug it up. Right, yes. This is the question. Please. And the suggestion what I would like to make to the Honorable Law Minister is the Section 41A of the Act of the Criminal Procedure Code. I request the Honorable Minister to rigorously to strengthen it and insert a provision, an explanation to Section 3 of the Act to 41A to be rigorously applied so that the investigating officer is obligated to exercise his powers of arrest reasonably and for the objective reasons. Thank you very much. Thank you, Honorable Minister. Thawarchand ji, please, aap boliye na. माननीय सभापति महोदय, हम इन वर्गों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है, अच्छी नीयत से, अच्छी नीति से, अच्छी कार्य योजना बना करके, कठोर प्रयास करके इनके हकों का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिली है। विशेष अदालत का भी विषय आया कि विशेष अदालतें गठित करना चाहिए। इस कानून में हमने विशेष अदालतें गठित करने का प्रावधान किया है और मुझे खुशी है कि ये कानून बनने के बाद 14 राज्यों ने 195 विशेष न्यायालय केवल इस SCST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के संबंध में निर्णय करने के लिए गठित किया है। फिर 14 राज्यों ने जिला एवं सत्र न्यायालयों को भी अनेक जिलों में विशेष न्यायालय के रूप में घोषित किया है और हमने ये भी प्रावधान किया है FIR दर्ज होने के बाद 2 माह के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा करके चालान पेश होना चाहिए और चालान पेश होने के बाद 2 माह के अंदर अंदर उस विशेष न्यायालय के द्वारा निर्णय भी दिया जाना चाहिए। इस एक्ट के बनने के बाद जैसा मैंने बताया कन्विक्शन रेट में भी कुछ वृद्धि होने लगी थी और उसके प्रतिशत में बढ़ोतरी भी हुई है, अपराध में भी कमी लाने में कुछ हम अग्रसर हो रहे थे। सर, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किए सबने समर्थन किया है, मैं इस सदन का आभार व्यक्त करता हूं और प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण विधेयक लोकसभा द्वारा यथा पारित रूप में पारित किया जाए। 1989 में पारित अत्याचार निवारण कानून को मजबूत करने के लिए संशोधन की मांग पुरानी रही है। इस कानून को और मजबूत करने के लिए 2015 में भी सरकार ने संशोधन से 22 सूचीबद्ध अपराधों के साथ 25 नए अपराध निर्दिष्ट किए थे। अभी लाए गए संशोधन के जरिए मूल कानून में धारा 18A जोड़ी गई है जिससे पुराने कानून फिर से बहाल हो जाएंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनहित से जुड़ी चर्चा के कार्यक्रम संसद संवाद में हम फिर हाजिर होंगे पर किसी अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।